हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, ये हमारे म्याम्रपाली वैरायटी का मैंगो का पौधा है। ये देखिए, जो कि हमारे कार्टून में लगाया गया था और इसमें इस साल लगभग 10 ठो आम पकड़े हुए थे। ये अगले साल का ही एयर लेयरिंग का पौधा है। आपको अगले साल भी इसके ऊपर एक वीडियो छोड़ा हुआ था, इसके ऊपर अगले साल भी तुरंत आम लगे हुए थे, दिखाया था, वो जाकर देख सकते हैं। ये लगभग 1.5 साल का ही पौधा हुआ है, क्योंकि अगले साल और इस साल ही हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे मेन ब्रांच देख पा रहे होंगे, कितना मोटा ही ब्रांच में हम एयर लेयरिंग किए हुए थे, जिसके वजह से ये हमारे छत के ऊपर अच्छे से मैंगो दे सके और एक मैच्योर पौधे के जैसे लगे। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग करने के बाद इसका कैसे केयर ले और पौधे का प्रूनिंग, कटाई छटाई और खाद वगैरह का ट्रीटमेंट कैसे करें, तो अगले साल आपके बहुत ही अच्छे से आम पा सके, फ्रूटिंग ले सके। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी तरीके से उसी के ऊपर है। तो दोस्तों जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए और इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं आपको एयर लेयरिंग का ब्रांच लगाया था जो ये गमले में, अभी ही लगभग 2 महीने का ये ब्रांच हुआ है, ये पौधा हुआ है। मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एयर लेयरिंग का ब्रांच है, देख पा रहे होंगे, ये भी आम्रपाली वेराइटी का मैंगो का पौधा है। ये देखिए कितना सक्सेसफुली ये लग चुका है और इसका ग्रोथ भी आप देख पा रहे होंगे। ये भी और एक आम्रपाली वेराइटी का वही एयर लेयरिंग का ब्रांच है, इसको भी मैं लगाया था और इसमें लगभग 6 ठो आम ये ब्रांच में लगे हुए थे। मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वो वीडियो भी। ये देखिए कितना अच्छे से ये सारे पौधे एयर लेयरिंग का ग्रोथ चल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए नया ब्रांच निकल रहा है। मैंने इसी तरीके से 3 ठो ब्रांच अगले नेक्स्ट सीजन में एयर लेयरिंग किया हुआ था, अच्छे से सक्सेसफुली मेरा हुआ है। तो दोस्तों मुद्दे पे आते हैं, ये सारे हम अच्छे से हार्वेस्टिंग कर लिए। तो दोस्तों आपको हार्वेस्टिंग करने के तुरंत ही बाद इसको अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देना है, हार्ड प्रूनिंग, एक शेप देकर। देखिए दोस्तों मेरा ये ब्रांच था, इसमें भी आम लगे हुए थे। ये देखिए ये मेन ब्रांच से ये डिवाइड होकर 3 ठो ब्रांच निकला है और ये 3 ठो ब्रांच में मैं अच्छी तरीके से प्रोनिंग कर दिया हूँ, देख पा रहे होंगे। मैं उसी दिन ही जब मैंगो तोड़ा उसी दिन ही प्रोनिंग कर दिया था, देख पा रहे होंगे इसका फुटाव भी निकल चुका है। आप देखिए इससे प्रोनिंग कर देने से क्या होता है कि ये जो सिंगल ब्रांच होता है आपका, उससे क्या होता है कि आपका छत के ऊपर देखिए, इतना जो ये 1 फुट का मैंगो का पौधा है, ये 2 फुट 2.5 फुट में ही आपका बहुत ही ज़्यादा बुस्सी हो जाएगा। आप एक शेप देकर रख सकते हैं, देखिए इससे ज़्यादा, देखिए कितना अच्छे तरीके से फुटाव निकल चुका है। ये सारा फुटाव आपको नहीं रखना है, क्योंकि इससे भी पौधा जो ये ब्रांच में इतना फुटाव रहने से भी ख़राब हो जाएगा। ये जो देखिए कितना फुटाव इसमें से निकल रहा है, लगभग जितना नोड से, ये देखिए जितना नोड से उतना फुटाव निकलेगा। तो दोस्तों आपको एक ही ब्रांच में, ये देखिए एक ही ब्रांच में देख पा रहे होंगे, एक ही ब्रांच में आपको 3 ठो ही ब्रांच रखना है। ये एक ब्रांच को 3 ठो मल्टीपल ब्रांच में, देखिए ये जो दोनों फुटाव पूरा पास पास है, इसमें से 1 फुटाव रखना है आपको और ये 1 फुटाव रखना है, देख पा रहे होंगे ये थोड़ा दूरी में है, ये 2 और इसके ऊपर में ये जो निकलेगा ये 3 फुटाव आपको रखना है, जैसे कि आपका ये जो ब्रांच थोड़ा दूरी दूरी में रह सके, एयर भी जा सके और आपके एक ब्रांच से 3 ठो ब्रांच करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर भी 2 ठो फुटाव निकले हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 और 2, ये 3, इसमें आपको 3 ठो फुटाव रखना है, देख पा रहे होंगे। सारे ब्रांच में आपको इसी तरीके से फुटाव रखना है, देखिए ये फुटाव निकल चुका है, ये फुटाव सारा निकलना चालू हो गया है। इसी तरीके से आपको प्रोनिंग करना है, जैसे एक अच्छी तरीके से बूसी शेप देना है ये सारे ब्रांच को आपको,
कटिंग कर देना है। ये देखिए एक ब्रांच जो पूरा इंडिविजुअली निकला है, मैं इसको भी फुटा यहाँ से प्रोनिंग कर दिया था, आप देख पा रहे होंगे। इसमें सारे नोड में देखिए जहाँ जहाँ से पत्ते थे सारे नोड्स में फुटाव आना चालू हो गए हैं। तो दोस्तों इतना ज़्यादा फुटाव रखने से भी पौधा ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको जिस तरीके से बताया आपको उसी तरीके से चलाना है इसको। ये देखिए ये एक ही तो ब्रांच में मैं ये चार ठो मल्टीपल ब्रांच के डिवाइड किया हुआ था, देख पा रहे होंगे पहले जो रखा हुआ था चार ठो ब्रांच रखा हुआ था, उसके बाद मैं अभी प्रोनिंग कर दिया हूँ। इसके बाद जो फुटाव निकलेंगे मैं पर ब्रांच में तीन तीन ठो फुटाव को रखने वाला हूँ और सारा को आपको तोड़ देना है। देखिए जो दूरी दूरी में होता है, ये जो दूरी दूरी में जितने जैसे रहता है उसी फुटाव को रखना है। प्रोनिंग के बाद प्रोनिंग का जो ब्रांच ग्रोथ होने के लिए अच्छे तरीके से आपको न्यूट्रिशन के लिए भी आवश्यक होता है। न्यूट्रिशन के लिए आपको पौधे में ये देख पा रहे होंगे ये लगभग 100 किलो के आसपास इसमें मिट्टी होगा, ड्रम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। इसमें आपको 5 किलो के जो बकेट आता है उसी के हिसाब से आपको उतना काउडंग कंपोस्ट और भर्मी कंपोस्ट लेना है, और काउडंग भर्मी कंपोस्ट के साथ ही साथ आपको मस्टर्ड के पाउडर लगभग 150 ग्राम के आसपास, ये तीनों ही चीज़ आपको लेना है। उसके साथ आप लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं, इससे कम ज़्यादा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा सारा कुछ ऑर्गेनिक में हम जाने वाले हैं, फ्रूट का पौधा है। तो दोस्तों ये तीन मिक्सचर मिला के आपको मिट्टी को थोड़ा हल्का करके इसमें दे देना है, और उसके बाद कुछ नहीं देना है। उसके बाद आपका पौधा आसानी से बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। और एक बात दोस्तों, थर्ड टिप्स, ये जो फुटाव निकलते हैं उसमें जो चींटियां लगना अनिवार्य है, ये चींटियां लगते ही लगते हैं, और ये जो फुटाव सारे निकलते हैं पत्ते को ख़राब कर देते हैं। तो ये फुटाव निकलने का इतना जब बड़ा बड़ा हो जाए आपको फंगिसाइड का एक बार छिड़काव कर देना है, एक ही बार फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों मिलाकर स्प्रे कर देना है। तो क्या होता है कि ये जो हमारा, ये देखिए मैं इसमें फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया हुआ हूँ, इसके वजह से ये पत्ता हमारा हेल्दी है, नहीं तो ये सारे पत्ते पूरा ख़राब हो जाते हैं और पौधा भी बहुत ही ख़राब लगता है। एक ही बार आपको ये फुटाव निकलते वक्त इसको स्प्रे कर देना है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट और एक का। दोस्तों ये बड़ा वाला जो मैंगो का पौधा है, इसमें मैं सारे ब्रांच, ये देखिए जो ब्रांच निकले हुए थे ये सारे ब्रांच तोड़ दिया हूँ, देखिए ये सारे ब्रांच तोड़ दिया हूँ। इससे क्या होता है कि ये देखिए ये पौधा हमारा सारे इसमें जितना भी ब्रांच थे निकले हुए थे तोड़ दिया हूँ। इससे क्या होता है कि देखिए ये मल्टीपल ब्रांच में डिवाइड होता है, कितना फुटाव निकल के आए हैं आप देख पा रहे होंगे, इससे ज़्यादा मल्टीपल ब्रांच डिवाइड होता है और जो फ्रूटिंग जो मुकुल आने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है, ये एक बहुत ही अच्छा होता है। देखिए पौधा भी आपका छत के ऊपर बूसी रहेगा दोस्तों। और एक पौधा आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए पौधा, ये हमारा एप्पल मैंगो का पौधा है, देखिए मैं इसको ऊपर से तोड़ दिया हूँ सारे ब्रांच को, क्योंकि ये गमले में छोटा सा गमले में लगा हुआ है, मेरे को इसको एक ये लगभग 1.5 फुट का प्लांट होगा, इसको अच्छे से स्ट्रक्चर देना है, सिंगल ब्रांच में मल्टीप्लांच ब्रांच को डिवाइड करना है। तो दोस्तों ये था पूरी तरीके से मैंगो का केयर कैसे करें, और हार्वेस्टिंग के बाद आपको क्या क्या केयर लेने से एक अच्छा एक मैंगो का पौधा तैयार कर सके, और सारा कुछ पौधे का स्ट्रक्चर और ग्रोथ लेने का, ये सबसे मानसून सीजन ही सबसे बेस्ट सीजन होता है। अभी जितना अच्छे से केयर और जितना अच्छे से पौधा आपका ग्रोथ होगा, आगे चल के आपका पौधा उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स करेगा। तो दोस्तों आज का अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।